गुजरात रे पुणी फुटिबो की पद्म। प्रधानमंत्री मोदी को उपरे पुणी विश्वास देखाइबे की गुजरातवासी। दुईटे राज्यर विधानसभा रिजल्ट पूर्वरु प्राय सबु एग्जिट पोल फलाफल बीजेपी सपक्ष रे जाइथिबारु कॉन्फिडेंट रे बीजेपी। 182 आसन विशिष्ट गुजरात विधानसभा पाई मैजिक नंबर 92। अधिकांश एग्जिट पोल रे बीजेपी आराम रे 120 टपुर थिबारु लगातार सप्तम थर पई पद्म पाखुडा रे गुजरात लोके भरसा करितबा अनुमान करा जाउछि। तेबे 2002 रे गुजरात रे बीजेपी सर्वाधिक 127 आसन जितिथिबा बेले एथरो एही रेकर्ड भांगियो बोली अनुमान करिछंती अधिकांश एग्जिट पोल। तेणु सप्तम थर निर्वाचन जितिले लगातार सप्तम थर शासन को आसी पश्चिमबंगर वाम सरकार रेकर्ड सह समकक्ष हेब भारतीय जनता पार्टी। एबे आसंतु नजर पकाइबा केउ संस्था गुजरात विधानसभा नै कोण कोण आकलन करिछंती। रिपब्लिक पी मार्कर एग्जिट पोल अनुजाई बीजेपी गुजरात रे 128 रु 148, कांग्रेस 30 रु 42, आप 2 रु 10 और अन्य दल सर्वाधिक 3टी आसन जितिबे। सेहिपरि न्यूजेक्स जन की बात अनुसार बीजेपी 170 रु 140, कांग्रेस 34 रु 51, आप 6 रु 13 और अन्यान्य दल गोटी रु 2टी आसन जितिबे। टीवी 9 गुजराती सर्वे रे बीजेपी 125 रु 130, कांग्रेस 40 रु 50, आप 3 रु 5 और अन्य दल 3 रु 7टी आसन रे जितिबे। टाइम्स नाउ सर्वे रे बीजेपी 131टी, कांग्रेस 41, आप 6 और अन्य दल 4टी आसन रे बाजीमात करिबे। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया सर्वे अनुसार बीजेपी 129 रु 151, कांग्रेस 16 रु 30, आप 9 रु 21 एवं अन्य दल 2 रु 6टी आसन हातेबार अनुमान करा जाउछि। तेबे 2017 तुलना रे गुजरात रे कांग्रेस शोचनीय प्रदर्शन करथुवा बेले आम आदमी पार्टी मध्य हात खोलिबा निश्चित बोली एग्जिट पोल आकलन करिछि। तो पहले से ही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय अमित भाई शाह की उपस्थिति में जो और गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल साहब के नेतृत्व में जो चुनाव हम लड़े हैं उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से जीतेगी और ये स्पष्ट करता है और स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से मोदी जी ने 21 साल में एक भी दिन का विश्राम लिए बिना जो तप किया है गुजरात की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, उसका नतीजा मिलने ही वाला है। लोकशाही के ये उत्सव को गुजरात के लोगों ने और मजबूत बनाया है, खूबसूरत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखना तय कर लिया है। पिछले 27 साल से चल रहा ये संबंध आने वाले दिनों में और बेहतरीन होने जा रहा है। ये चुनाव सत्ता के लिए नहीं, ये चुनाव संबंधों के इतिहास के लिए। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुजरात की जनता ने ये चुनाव लड़ा है। गुजरात के हर एक क्षेत्र में, सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात, उत्तर या मध्य गुजरात, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता साथ में मिलकर गुजरात राज्य को विकास की और तेजी से गति आगे बढ़ाएगी। सेपटे एग्जिट पोल्ले हिमाचल अस्पष्ट चित्र। हिमाचल में किए कर शासन ताकू नहीं द्वंद। 68 आसन विशिष्ट हिमाचल विधानसभा उभय बीजेपी और कांग्रेस मधे कांटेका टक्कर। जितवा 35 आसन आवश्यकता थिबा बेले बीजेपी और कांग्रेस मधे जोरदार मुकाबला होती। अधिकांश एग्जिट पोल्ले एवं झूला नहले टणा उटरा स्थिति। तेरे हिमाचल में निर्वाचन जीतिले उत्तराखंड पर बीजेपी 5 वर्ष अंतर में बदलुवा सरकार धारा बदल। से कांग्रेस जीतिले यही धारा बलवत्तर रोल पोल्स रे हिमाचल में बीजेपी 35, कांग्रेस 30 और अन्न्य दल 3टी आसन हाते। आम आदमी पार्टी हिमाचल में खाता खोल समर्थ हो पारे आकलन कर। एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक जगह, एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, एक दो सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है।
मैं समझता हूँ कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। इस वक्त जो जमीनी हकीकत है, साफ तौर पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार बनने वाली है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमने अपने अपने तौर पे आकलन किया है, मुझे ये लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी की जो है 45 सीटें आने वाली है। तबे 8 तारीख रे ही पूरा पिक्चर क्लियर हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।